इवनिंग, हैप्पी संडे। अभी आप देख सकते हैं बाहर बहुत ही धूप है, थोड़ी देर पहले बहुत तूफान जैसा इतना ज़्यादा तेज से पवन चल रहा था, इतनी हवाएं चल रही थी, बारिश आने वाली हो ऐसा, बाहर इतने काले बादल भी छा गए थे कि अभी बारिश आ जाएगी। तो मैं ऐसे ही बैठी थी और एक अचानक से ही मौसम चेंज हो गया 5 मिनट में। तो अभी सोचा कि चेंज हो गया, धूप निकल गई, तो चलो बाहर थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं बाहर, आप देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये आराम से यहाँ पर बैठे हैं। वैसे आज इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। क्या किया? चाय बना दी। मैं फोन पे बात कर रही थी तो इसको थोड़ा चाय पीने में देरी हो रही थी और जल्दी से चाय पीना था, और मैं बात कर रही थी, उसने मुझे नहीं बोला कि चाय बना दो। मुझे सोचा मुझे परमवीर चक्र दे दोगी तो चाय बना दी और बहुत ही अच्छी बनाई थी और मुझे भी पिलाई, उन्होंने भी मुझे चाय पिलाई। तो बहुत अच्छा काम किया आपने, चाय पिलाई। वैसे मैं आपकी सभी चीज़ें पूरी करती हूँ तो आपको भी हेल्प करनी चाहिए, और थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। तो अभी जा रहे हैं, आज शाम को खाने में क्या बनाएंगे अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। दोपहर को आज मैंने बनाया था जीरा राइस, बनाया था दाल तड़का, पंजाबी सब्जी, रोटी, ये सब कुछ आज दोपहर के खाने में मैंने बनाया था। तो आज वैसे भी आज संडे है तो छुट्टी का जैसा थोड़ा फील होता है, तो आज कुछ नया नहीं बनाएंगे, सिंपल सा ही आज मैं फूड बनाने वाली हूँ शाम को। तो अभी बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर कैसा मौसम है, ऐसे ही घूम के आते हैं, कहीं पे अभी जाते नहीं क्योंकि कोई किसी के घर पे भी नहीं जा सकते कोरोना की वजह से। तो ऐसे ही बाहर चक्कर लगाने के लिए जा रहे हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए। तो आपको मिलते हैं बाद में। अभी हम आ गए हैं मनोकामना स्थित हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, हाँ मेन चबूतरा बोलते हैं, पंछी होते हैं इसको जो चरण बोलते हैं वो डालते हैं उसको हम चबूतरा बोलते हैं। तो
वो अभी गेहूँ जो भी आप डालना चाहते डाल सकते हैं वो यहाँ पर, ये सभी चीज़ें, तो चना दाल गेहूँ ये सब हम लेके आए थे। कभी कभी आते हैं बच्चों के साथ यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, पर और खुशी दोनों यहाँ पर थोड़ी देर खेलते हैं, हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, बातें करते हैं। और ये थोड़ा सा रोड है तो थोड़ा बहुत शोर भी रहता है यहाँ पर, लेकिन अभी शाम के वक्त बहुत सारे पंछी यहाँ पर उड़ रहे होते हैं, तो वो देखने को देख सकते हैं आप, वो नज़ारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा होता है। इससे शाम के वक्त ज़्यादातर आते हैं, संडे होता है तब 5-6 बजे के बाद आते हैं, और एक घंटा आधा घंटा यहाँ पर बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे बहुत शांति है यहाँ पर, थोड़ी बहुत व्हीकल्स की आवाज़ें आती रहती है। तो हनुमान जी का मंदिर है, वो एक बड़ा चबूतरा है और एक छोटा वाला है, ये तो दोनों में गेहूँ, इसमें बाजरी, ये सब चावल ये सब डालते हैं, दोनों का अलग है, उसमें ज़्यादातर कबूतर बैठते हैं और इसमें चिड़िया ये सब होता है चावल वाले में। और बहुत सारे पेड़ भी है यहाँ पर, एक पीपल का पेड़ है, एक 2-3 पीपल के पेड़ है, एक नीम का है, ये 3-4 पेड़ है यहाँ पर, एक मंदिर है और एक ये पूरा कमरा है, ये वाला कमरा है, ये पूरा अनाज से भरा रहता है, कोई कोई ज़्यादा डालने को आता है तो वो सामने देख रहे हैं, वो वाला छोटा सा रूम दिख रहा है वो पूरा अनाज का भरा रहता है, इसमें थोड़ा बहुत और सामान कुछ रखा है, तो कोई ज़्यादा लेके आता है बोरी में वगैरह, तो एक साथ इतना नहीं डालते यहाँ पर, कोई एक भाई है यहाँ मैनेज करते हैं, और ऐसे कोई पुजारी वगैरह ये कोई नहीं है यहाँ मंदिर पे, लेकिन ऐसे ही यहाँ पर आसपास के लोग हैं वो मैनेज करते हैं इस जगह को। तो वो बोरी वाला होता है, वो उस घर में से उसमें डालते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत भी बहुत कम पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग ही चारा ये चण डालने के लिए आते हैं ज़्यादा। अभी शाम के टाइम पे कबूतर नहीं है, वरना सुबह कभी भी आए तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बर्ड्स होते हैं, खाना चुगने आते हैं। तो आपको भी कैसा लग रहा है यहाँ पर? मुझे जगह बारिश आई जैसा मौसम है, और पंछी भी गिन गिन कर रहे हैं, मस्त हवा आ रही है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है यहाँ पे, 100 से ऊपर चला जाता है थोड़ी देर बैठते हैं ना, तो एक डॉगी भी आ गया है वहाँ पर, उसका भी बिस्किट वगैरह उतना पूरा वहाँ पर है, उसका भी खाना वो भी लोग आते हैं, सबको जाना चाहिए, खाना पीना सभी का ध्यान रखना चाहिए, हम तो क्या आते जाते रहेंगे बाकी। हाँ, बर्ड्स के लिए कभी कभी ये सब करना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पार्क है सब बंद है, वरना आजी डैम है राजकोट में, तो उस जगह पे मछलियाँ के लिए मछली के लिए सब वो आटा सब डालने जाते हैं, तो कभी कभी वहाँ पर भी हम जाते हैं, लेकिन अभी 2 साल से तो वही बंद है, इसलिए वो भी अभी वहाँ पे नहीं जा सकते। हमारे घर से ये 2-3 किलोमीटर है शायद, ये देख सकते हैं आप, डोगी है यहाँ पर। अभी आप देख लो, हाँ बहुत सारे हैं, देखिए आप बर्ड्स। अभी यहाँ पर ये डोगी है, उसका जो बिस्किट वगैरह बहुत सारा है, लेकिन उसने खाया नहीं है। वैसे आज खुशी का बर्थडे है,
तो वो 10 साल की अभी हो चुकी है और 11 वर्ष में उसका प्रवेश हो चुका है उसका। तो अभी तो यहाँ पर है नहीं, परो और खुशी दोनों अपने मामा के यहाँ पे है और बहुत ही अच्छे से एंजॉय भी किया है। अभी मुझे मेरी बात हुई उनसे वीडियो कॉल पे, तो 3-4 साल से लगातार वो वहाँ पर ही बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही है, क्योंकि तभी उसका वेकेशन होता है और वेकेशन में ऑलमोस्ट दोनों भाई बहन वहीं पर ही होते हैं। तो अभी लॉकडाउन वहीं पर भी है गांव पे भी, तो घर पे केक बना के सब मासी ने सब ने एंजॉय किया, केक बना के सेलिब्रेशन सब कुछ किया। तो मेरी बच्ची के लिए उन सभी मासियों को मैं बहुत ही दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि हर साल मेरी बच्ची का बर्थडे बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेशन करते हैं और उसकी जो भी ख्वाहिशें होती है सब पूरी करते हैं। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी खाना हो उसका फेवरेट डिश ही बनती है, पूरे दिन सभी मासियाँ सब मिलके सब करती है और केक वगैरह उसकी जो फेवरेट और चीज़ें होती है गिफ्ट वगैरह भी देते हैं सब। तो मेरी बच्ची को सभी बहुत प्यार करते हैं, सब मासी मामा, और यहाँ पर भी एक मासी है उसकी बड़ी मासी सबसे, वो भी कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह वो भी उसके लिए यहाँ से देते हैं। लेकिन आज तक मेरी बेटी को मैंने कुछ गिफ्ट नहीं किया है उसके बर्थडे पे स्पेशली, सब मासी मामा ये सब करते हैं। ऐसे तो गिफ्ट कुछ ना कुछ लेते थे लेकिन स्पेशली बर्थडे पे मैंने कभी नहीं उसको दिया है। इसलिए नहीं दे रही हो क्योंकि उसको ऐसी आदत ही ना हो कि उसको ऐसा ना लगे कि बाद में ये बर्थडे मनाना ही होता है या फिर बर्थडे के दिन मुझे गिफ्ट मिलने चाहिए, ये सुविधा नहीं है। अभी इतना हम नहीं करते, घर पे ही सिर्फ केक कटिंग करके ही सेलिब्रेशन करते हैं। मैं उतना जरूरत नहीं समझता कि ये इसको दिन ये जरूरी हो, लगता है कि उसकी बेटी का 1 साल वैसे भी कम हो चुका है, वो तुम बर्थडे सेलिब्रेशन करते हो ये सब बोलते हैं, इसलिए उसको ये पसंद नहीं है कि बहुत बर्थडे सेलिब्रेशन ये सब कुछ। और बच्चों को ऐसी आदत भी नहीं पाड़नी चाहिए कि उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिले। इस साल मिला है लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं भी मिला होता या और कुछ प्रॉब्लम की वजह से भी कभी कुछ ना कुछ नहीं मिलता है, तो बच्चों को ऐसा हो जाता है कि नहीं मुझे इस साल कुछ नहीं मिला। तो हम ऐसे नहीं करते, जब भी उसकी कोई भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो प्रोवाइड करते हैं, वो सब चीज़ उसको देते हैं। लेकिन वैसे भी मेरी बेटी भी उतनी समझदार है, बहुत नेचर वाइज भी शांत स्वभाव की है कि उसको कभी भी उसने हमसे ये नहीं किया है रोके कि कभी कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। तो मेरी बेटी सबसे अलग है। वैसे पर्व कुछ ना कुछ कभी कभी करता है रिक्वायरमेंट अलग अलग कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कभी खुशी ने कभी भी मुझे नहीं बोला है कि मम्मा मुझे ये, तो लेकिन मैं उसकी सारी चीज़ें समझ जाती हूँ कि मेरी बेटी को ये कुछ चाहिए तो मैं उसको ऐसे ही दिला देती हूँ। तो उसकी क्लिप आएगी बर्थडे की, तो वो भी मैं आप सबको दिखा दूँगी बर्थडे सेलिब्रेशन की। तो अभी मेरी बेटी को दिल से हैप्पी बर्थडे, क्योंकि वो भी अपने मामा के घर पे है तो वहाँ से वीडियो देखती रहती है, तो बोलती है मम्मा बोलेगी हैप्पी बर्थडे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी 7:30 हो चुके हैं और 8 बजे राजकोट में अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन हो जाता है, तो 8 बजे से पहले हमें घर पहुँचना है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि और हमारी राजकोट की कौन सी प्लेस आप देखना पसंद करेंगे, तो उसकी विजिट ज़रूर करेंगे हम, क्योंकि अभी तो वैसे तो सब बंद है लेकिन ऐसी कोई भी जगह होती है तो वो खुली होती है, वहीं पर हम जा सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।